सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टॉम एंड जेरी चेज ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो ये नेटिस का गेम है, तो शायद मुझे अब बताने की ज़रूरत ना हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हाँ, ये भी जो है ना एक ऑनलाइन गेम ही है। तो नेटिस तो ऑफलाइन गेम नहीं बनाती है, तो यहाँ पर इरर आप पढ़ ही सकते हैं। बाकी ये गेम इंडिया में नहीं आया है, तो मैंने इसके टेप से डाउनलोड करा है, तो इसकी वजह से अभी गेम को प्ले करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ में VPN की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं VPN से भी कनेक्ट हो जाता हूँ और मोबाइल डेटा तो ऑन कर ही लेता हूँ। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा गेम जो है लोडिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मोबाइल डेटा भी ऑन कर लिया और आप ऊपर साइन देख सकते हैं VPN का भी, तो मैं VPN से भी कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ बात करेंगे गेम की हम साइज़ की, तो वो 1 GB के आसपास है और गेम में एडिशनली सिर्फ 40-50 MB अपडेट लगता होगा और कुछ नहीं लगता है। अब आप मानेंगे नहीं, पर मैंने इस गेम को ना एटलीस्ट कम से कम 5 या 4 बार अपडेट ज़रूर कर लिया होगा, क्योंकि इतना टाइम से था पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि कब से मैंने इस गेम को डाउनलोड करा होगा, मतलब 4-5 अपडेट आ गए इस गेम में। तो अब आप सोच लेना कि कितना टाइम हो गया है। बाकी एक गलती मेरे से ही हो गई ना, मैंने जल्दी जल्दी में लॉगिन करा था ना, तो यहाँ पर मैं नाम जो उसने सजेस्ट करा था ना, वही थ्रश करके कुछ था, तो वही रख लिया। बाकी चलो, यहाँ पर ये प्रोफाइल आप देख ही सकते हैं, जहाँ पर आपको आपकी स्टेट्स भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ मैं थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो, टॉम एंड जेरी का गेम है बिल्कुल, और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी साउंड सी है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी के एक्यूरेट साउंड ओरिजिनल जो थे ना, वही यूज़ करे गेम में, जो कि बहुत ही एक तरीके से बहुत अच्छा फील कराते हैं। और यहाँ पर जो है ना, आपको दो मल्टीप्लेयर गेम है, तो दो रोल देखने को मिलेंगे, टॉम का और जेरी का। टॉम का काम है कि जेरी को पकड़ना और जेरी का काम ये है कि वो चीज़ ये सब रहेंगे उसको चुरा कर अपने बिल के अंदर में डालना है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सेटिंग की बात करूँ तो ये कुछ सेटिंग आप देख ही सकते हैं, वॉइस चैट ये सब इस गेम के अंदर में अवेलेबल है। क्विक चैट हुआ यहाँ पर, रिकॉर्डिंग सब है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर क्लासिक पर क्लिक करें ना, तो ये हमारा क्लासिक है, जहाँ पर आपको अगर टॉम का रोल प्ले करना टॉम का करें और जेरी का प्ले करना तो जेरी का करें। तो यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ ये है कि अपना ये है ना, इसके अंदर में जेरी 4 रहते हैं और टॉम 1 रहता है, यानी कि 4 जेरी रहेंगे और 1 टॉम रहेगा एक मैच के अंदर में। और आप समझ सकते हैं फिर टॉम पर ज़्यादा बर्डन आ जाता है यार 4 को पकड़ना। और इस तरीके से ये मैच स्टार्ट होता है, तो शुरू में ना 40-50 सेकेंड का मतलब स्टार्टिंग लेता है। और ऐसे अलग अलग जितने भी, मतलब अभी तक मैं टॉम एंड जेरी के जितने भी मूवीज़ हो गई, जितने भी एपिसोड्स हो गए, उनमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना, लगभग सभी कैरेक्टर्स को उन्होंने इस गेम के अंदर में इम्प्लीमेंट कर दिया है। आप चाहे ना तो मतलब परचेस कर सकते हैं, जैसे अब बिल्लियों में कितनी सारी दिखाई हुई है, टॉम के जितने भी दोस्त होने रहते थे कभी कभी दिखते थे, वो काली बिल्ली हो गई, एक टिंगू सा मोटा सा था, वो सब आपको इसके अंदर में देखने को मिलेंगे, तो वो टॉम का रोल प्ले कर लेंगे। और इधर जेरी में जैसे ये बच्चा वाला हो गया, उसके बाद में ये अलग अलग, उसने कभी प्रिंस वाली कॉस्ट्यूम पहनी है सब, तो ये सब कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा। नेटिस इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और गेम प्ले इसका प्लेटफॉर्मर टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब शुरू में क्या ना, आपको जो रोबोट वाला एक आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा चूहा, तो वो आपको मैच स्टार्ट करते टाइम मिलेगा, तो आप उसको चला के और देख सकते हैं कि चीज़ कहाँ पर है। और जैसे ही आपको चीज़ मिल जाए, उसके बाद आप खुद जाएंगे और उसको पकड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो भी है, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी है गेम के अंदर की। बाकी यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, खींचता है बहुत लंबा, बाकी इस तरीके से है। पर यहाँ पर सीक्रेट एजेंट है जो भी है, थोड़ा जल्दी ये हट जाए तो वो है। बाकी एनिमेशन मतलब ग्राफिक्स बिल्कुल उसी हिसाब से रखी है जैसी मतलब टॉम एंड जेरी की ओरिजिनल एनिमेशन सीरीज़ है ना उसमें। अब जैसे ये चारों है, चारों के पास में अपना अपना चूहा है, तो ये चूहे पर जस्ट क्लिक करेंगे अपन, मतलब अपन उस चूहे को अभी क्लिक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर सपोज़ डेट मैं जाता हूँ यहाँ पर, और ये अब मैं कंट्रोल करूँगा अपने चूहे को। तो यहाँ जैसे कि मेरा चूहा ये जो है ना, अब शुरू में जब स्टार्टिंग होती है ना, उस टाइम पे ये चूहा जो है जाके मेरा पूरा सर्च करेगा कि कहाँ पर चीज़ हमको देखने को मिलेगा, और जब मिल जाएगा तो हम फिर खुद जाएंगे और उसके बाद में उसको पकड़ेंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बहुत सारे गेम प्लेज मिल जाएंगे, सिखा देंगे वो आपको गेम खेलना। बाकी जो भी है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।